प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया द्वारा प्रदर्शन का एक ज्ञापन महामहिम राज्यपाल को जिलाधिकारी द्वारा भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि ज्ञात हो कि प्रदेश इस समय विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। किसान, नौजवान, व्यापारी, दिहाड़ी मजदूर, अल्पसंख्यक महिलाएं आदि सभी परेशान हैं। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं जिससे अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, दिन दहाड़े लूट, हत्या, बलात्कार आम बात हो गई है। जिम्मेदारी अधिकारी एवं सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। प्रदर्शन करने वालों में जिला अध्यक्ष इसरार सैफी, प्रमुख महासचिव तलहा खान, मंडल प्रभारी युद्धन सभा सिद्धार्थ चौधरी, मुमताज आलम, महानगर अध्यक्ष शमीम उद्दीन आदि मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो समस्याएं चल रही हैं आज के टाइम में, और सभी लोगों को मालूम है इस बात की क्या क्या समस्याएं हैं, हमने उसके लिए मैं हमारे राज्यपाल जी के नाम ज्ञापन दिया है पीएम साहब के माध्यम से। तो उसके अंदर हमारी समस्याएं सबसे बड़ी जो समस्या है बेरोजगारी की, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 साल पहले इस बात का वादा किया था कि 2 करोड़ सालाना जो है हम रोज़गार देंगे, आज रोज़गार एक भी आदमी उन्होंने अपने नौजवानों को परेशान कर रखा है, और एक भी आदमी जो है नौकरी पे नहीं लगाया है, इसलिए जो है यहाँ आए दिन जो है इस तरह की घटना बढ़ती चली जा रही है, जो कि यहाँ लूटमार आदमी जो बेरोजगार होता है तो क्या करता है, बेरोजगारी होने के बाद तो आदमी कुछ ना कुछ उसका दिमाग उल्टी सीधी जगह जाते हैं। और एक पेट्रोल के दाम है, और एक अभी हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर तेंदुए वाला वो चल गया है, जो कि आज की डेट के अंदर वन विभाग बिल्कुल भी या सरकार बिल्कुल भी इस चीज़ पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। आए दिन घटनाएं हो रही हैं तेंदुए की, आप देखिए ठाकुर द्वारे के अंदर, मुरादाबाद जिले के अंदर 3-4 मतलब हर रोज़ एक न एक समस्या तेंदुए को लेकर हो रही है। और यहाँ आप देखिए बिजली के बिलों के बारे, बिजली के बिलों में ऐसा ऐसा है कि लोगों के वहाँ मतलब मीटर लगे नहीं हैं और उनके पास बिल जो है लाखों लाखों रुपये के बिल पहुँच गए। तो ये सरकार जो है बड़ी मतलब इस मतलब अपनी पूरी तरह से धींगा धांगी में लगा हुई, अभी आप सब देख ही रहे हैं इस बात के लिए कि इतना परेशान कर रखा है नौजवानों को, किसानों को, किसानों के लिए कोई पेमेंट नहीं पहुंच रही है, किसानों की पर्चियां नहीं पहुंच रही हैं, गन्ना ऐसे ही खड़ा हुआ है, 1 महीने बाद मील बंद हो जाएंगे, अब वो गन्ने का क्या करेंगे। देखिए कितना बड़ा वादा किया था, 1 रुपया गन्ने का नहीं बढ़ाया किसानों के लिए, कितना कितना मतलब सभी लोगों को, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे हिंदुस्तान की जनता को बीजेपी सरकार ने परेशान कर रखा है, और उत्तर प्रदेश तो योगी जी से बिल्कुल चल ही नहीं रहा। मैं तो यही चाहता हूं कि मैं तो यही अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो यहां से उत्तर प्रदेश से अपना इस्तीफा दे दें, और मैं चाहूँगा कि यहाँ जो है राष्ट्रपति शासन लग जाए, ताकि यहाँ जो है राष्ट्रपति साहब अपनी व्यवस्था जो है अपने आप को सही कर लें। आने वाले चुनाव को किस तरह से देखते हैं? देखिए हमारी पार्टी पूरे 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद एक नेताजी के लिए हमने सीट खाली छोड़ी है। अगर वो हमारी पार्टी से लड़ेंगे या वो अगर किसी भी पार्टी से लड़ेंगे, हम नेताजी को लड़ाएंगे। क्या आपकी पार्टी किसी को समर्थन करेगी? नहीं, हमारी पार्टी किसी को समर्थन नहीं करेगी, हमारी पार्टी फुल ताकत में है। आप देख रहे हैं कि हमारे 3 महीने के अंदर अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बढ़िया संगठन बना दिया है हमने, कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना बढ़िया संगठन बना दिया, क्योंकि जब समाजवादी में थे तब भी आपने देखा होगा कि पूरा उत्तर प्रदेश का संगठन केवल शिवपाल जी ने ही चलाया था,